जय राधा माधव पंजाबी गोपी जाना बल्लभा गिरिवर धारे जय गोपी जाना बल्लभा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय 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 प्रभुपा जय प्रभुपा शिल प्रभुपाद की जय राधा माधव की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय संबित वैष्णव भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओंग ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति सोपदान्तिकं वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथानित्वं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानुसहगन ललिता श्री विशाखानित्वंश नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय
तो हम लोग श्रीमद् भागवतम नवा स्कंद दसम अध्याय ये 54 श्लोक है। एक पत्नी व्रतो धरो राजर्षि चरिता सुचि स्वधर्म गृहमेधियम् शिक्षयन् स्वयमाचरत्। एक पत्नी व्रतो धरो राजर्षि चरिता सुचि स्वधर्म गृहमेधियम् शिक्षयन् स्वयमाचरन्। शब्द शब्दानुवाद एक पत्नी व्रत धरह, दूसरे पत्नी स्वीकार नहीं करने का अथवा किसी अन्य स्त्री से भी कोई संबंध न रखने का व्रत लेकर। राजर्षि साधु सदृश राजा के समान, चरित जिनका चरित्र सुचि ही शुद्ध स्वधर्म अपने वृत्ति पर परक कार्य को गृह में धियम गृहस्थ जीवन बिताने वाले पुरुष को शिक्षयन शिक्षा देते हुए अपने आचरण से स्वयं आचरित अपना कर्तव्य निभाया। ये रामचंद्र महाप्रभु जी की चरित है। तनुवाद भगवान श्री रामचंद्र ने एक पत्नी स्वीकार करने का तथा किसी अन्य स्त्री से संबंध न रखने का व्रत लिया था। वो एक साधु सदृश राजा थे और उनके चरित्र उत्तम था। क्रोध उन्हें छू तक नहीं पाया था। उन्होंने प्रत्येक को विशेष रूप से गृहस्थ को वर्णाश्रम धर्म के रूप में सदाचरण की शिक्षा दी। इसी प्रकार उन्होंने अपने निजी कार्यकलाप से सामान्य जनता को शिक्षा दी। तात्पर्य भगवान श्री रामचंद्र ने एक पत्नी व्रत का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किए। लोगों को एक से अधिक पत्नी नहीं स्वीकार करनी चाहिए। उन दिनों व्यक्ति एक से अधिक पत्नी से विवाह करते थे। यहाँ तक कि श्री रामचंद्र की पिता की भी एक से अधिक पत्नियों थी, किंतु भगवान श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के रूप में केवल एक पत्नी सीता देवी को ही स्वीकार की। जब रावण तथा अन्य राक्षसों के द्वारा सीता की अपहरण हो गया तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
भगवान के रूप में। भगवान रामचंद्र चाहते थे, चाहते हो तो हजार सीताओं को, सीताओं से भी विवाह कर सकते थे, किंतु हमें ये शिक्षा देने हेतु कि वो है अपनी पत्नी से ही प्रीति कर। कितने निष्ठावान थे, उन्होंने रावण से युद्ध किया और अंत में उसे मार डाला। उन्होंने रावण को दंड दिया और अपनी पत्नी को रखा। लोगों को ये शिक्षा देते हुए कि एक पत्नी व्रतधर बनो, भगवान रामचंद्र ने केवल एक पत्नी स्वीकार की और आदर्श चरित प्रकट किया। इस प्रकार उन्होंने गृहस्थों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। गृहस्थों को चाहिए कि भगवान रामचंद्र के आदर्श की अनुसार जीवन बिताए, जिन्होंने ये दिखाया कि किसी प्रकार पूर्ण व्यक्ति बना जाए। गृहस्थ होकर या पत्नी तथा बच्चों के साथ रहने की कभी भर्त्सना नहीं की जाती अगर वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत किया जाए। यो व्यक्ति इस सिद्धांत के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, वो चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थ, सभी समान रूप से महत्वपूर्ण है। एक पत्नी व्रतधरो राजर्षि चरित शुचिः सुधर्म गृहमेधियम शिक्षयन स्वयमाचरत। सुखदेव गोस्वामी ये नौवां स्कंद में अंतिम में जब सूर्य वंश का वर्णन दे रहे हैं, इसमें राम जी का चरित बोल रहे हैं। और इस श्लोक में प्रभुपाद ने तात्पर्य में सुंदर भाव से लिखे हैं कि अगर किसको शादी करना है, विवाह करना है, तो एक पत्नी व्रत उधर। पहले जमाने में क्षत्रिय लोग ज़्यादा शादी करते थे। और क्षत्रिय लोग क्यों ज़्यादा शादी करते थे, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ा था, तात्पर्य या लेक्चर में सुना था। प्रभुपाद बोलते थे कि जनरली ये होता है कि पुरुष से नारी लोग का जो संख्या होता है वो ज़्यादा होता है, और क्षत्रिय लोग का पास धन रहता है, बलवीर्य भी रहता है, वो लोग समर्थ पुरुष होते हैं, दे आर कैपेबल टू मेंटेन मैनी वाइफ्स। कई पत्नी को स्वीकार करने वो कर सकते हैं, उनका ताकत है, ये सबके लिए अलाव नहीं है। और स्पेशली कलयुग में ये तो कभी एक भी शादी करना भी मुश्किल, कितना मुश्किल है। जो विवाह जो सब लाओ चल देना है तो पहला कर देना है ना, क्लास के बीच में थोड़ा लेना है। हाँ ठीक है, जो शादी प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे अंतिम में बोले हैं ना, जो वर्णाश्रम धर्म में एक सोपान है, तो ना तो हम तो आत्मा है, तो आत्मा के लिए तो कोई शादी का जरूरत नहीं है। इसलिए आचार्य लोग बोलते हैं तुम ब्रह्मचारी बन जाओ, शादी करना ये कोई नया बात नहीं है। थर्ड कैंटो की जो तृतीय स्कंद है, इसमें भगवान कपिल देव बोलते हैं, शरीर जब छोड़ देते हैं ना हम, दूसरा शरीर को चले जाते हैं, पिछले शरीर में जो जो कर्म किया है ये सब भूल जाते हैं हम, नया शरीर शुरू होता है, सब कर्म हमको नया नया लगता है। ये शादी करना कोई नया कर्म नहीं है, कुछ भी नया नहीं, ये सब पुराना है। क्यों, हम तो पुराना है ना, हम क्या नया है। ये ब्रह्मचार्य साधु जीवन, ये भगवान का भक्त बनना, ये नया काम है। ये जो शादी करना, ये जो इसको कंडेम नहीं, शास्त्र का भी नहीं किए हैं, लोग तो पतित हो जाएंगे। जिन लोगों का इंद्रिय संयम नहीं है, बहुत अटैच्ड है, वो अकेला नहीं रह सकते हैं, तो उन लोग के लिए एक स्टेप दिया गया है। ठीक है, तुम तो अकेले रहकर भजन नहीं कर सकते हो, आत्मधर्म पालन नहीं कर सकते हो,
तुम जाओ सावधानी से। और प्रभुपाद जी इतना सुंदर तात्पर्य लिखे हैं ना, आप पढ़ लीजिए थर्ड कैंटो में, मैं बोलूँगा कुछ इसमें। इतना सुंदर पूरा क्लैरिफिकेशन दिए। नारी लोग के लिए शादी तो जरूरत है, प्रभुपाद के कई स्थान पर शास्त्र भी बोलता है। कल मैं गुरुकुल गया था, छोटे छोटे बच्चे थे ना, मैं बोल रहा था कि तो आप लोग को क्या बनना है, ब्रह्मचारी बनना है ना, सब लोग हाथ उठे हाँ मुझे ब्रह्मचारी बनना है। तो इसमें जो छोटे छोटे बच्चे थे इसमें एक क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर हम सब लोग ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो डिवोटी कौन बनेगा, मंदिर चलेगा कौन, डोनेशन कौन दे। इतना छोटा बच्चा है, ये मैरिज का इफेक्ट है उनका दिमाग में चला आया है। और इतने छोटे छोटे बच्चे वो भी मुझे क्वेश्चन कर रहे थे, प्रभुपाद जी के से शादी किए थे। देखो शादी का असर एक 5 साल के लड़का के ऊपर दिमाग में चढ़ गया है, ये शरीर धर्म इतना प्रबल है। 5 साल के लड़का है वो, 3, 4, 5 साल के लड़के हैं, सब गुरुकुल में मुझे यही क्वेश्चन कर रहे थे। तो आप बोल रहे हैं शादी नहीं करना है, तो प्रभुपाद जी कैसे शादी किए थे? अरे शादी करना, देखो जो विवाह होता है ना वो आसक्त पुरुष के लिए बंधन है, विवाह एक संस्कार है, नारी के लिए एक संस्कार है। जो आसक्त पुरुष होता है ना, नारी के लिए पुरुष का आसक्ति और पुरुष के लिए नारी का आसक्ति जो है वो तो संसार है। जिन लोग का संयमता नहीं है, जो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, उन लोग को शादी नहीं करना है। हम सोचते मैं शादी करके कंट्रोल हो जाऊं, अरे तुम तो पहले अनकंट्रोल हो, तुम्हारा गाड़ी पहले से ब्रेक नहीं लग रहा है। जो गाड़ी में ब्रेक नहीं है वो गाड़ी चलाएगा तो क्या होगा उनका हालत, पहले तुम्हारा गाड़ी ठीक से नहीं चल रहा है, ब्रेक नहीं है, समझ रहे हो ना? गाड़ी चलाए हो? हाँ, पहले ब्रेक देखो। जिन लोग का गाड़ी, जो गाड़ी चलाते हैं, मैं तो ड्राइवर नहीं हूँ, पास में बैठता हूँ, मुझे पता है। संकीर्तन बस में जाता था ना, गाड़ी में ब्रेक काम नहीं करता है तो ड्राइवर बोलता है महाराज धीरे चलाना है, ये घाटी रास्ता है, ब्रेक काम नहीं कर रहा है। पहले से ब्रेक काम नहीं कर रहा है ना तो गाड़ी जबरदस्ती कैसे चलाएंगे हम? जो लोग कंट्रोल नहीं है वो शादी कैसे करेंगे? शादी करेंगे तो फंस जाएंगे। इसीलिए पहले गुरुकुल में रहते थे, गुरु जी का पास रहते थे। पहले सोचना चाहिए, एक संस्कार है शादी जो है ना, एक संस्कार है, इसमें जाना और वापस आना। घुसने के बाद सोचते हैं, वापस आने के बाद भूल जाते हैं। महाराज श्री कहा करते थे, आजकल तो महाराज कथा नहीं बोलते हैं, मैं महाराज की कथा से सुना था, पूज्यपाद राधा गोविंद स्वामी महाराज ने ये कथा बोलते थे, जो शादी करना चाहते वो चाह रहे हैं, जो जिनको शादी करने का इच्छा है वो पुराना चोर बनना चाहिए। चोर दो प्रकार के होते हैं, नया चोर होते हैं ना, वो ज़्यादा पकड़ में आ जाता है, वो नया नया मोबाइल किसका पकड़ से मोबाइल ले जाते हैं, वो नया चोर है, कैसे चोरी करना उनको पता नहीं है। और पुराना चोर अलग है। नया चोर का काम क्या होता है? महाराज श्री कहा करते थे, नया चोर का काम ही होता है कि मुझे भीतर घुसना है, ले आना है, वो धनी लोग है ना, उनसे पैसा लाना है। अगर पकड़ में आ जाऊंगा तो वापस कैसे आऊंगा वो नहीं सोचा है, सिर्फ घुसना है भीतर, उनको इतना ही पता है। और नया चोर कौन है फैमिली लाइफ में? मुझे शादी करना है लेकिन बानप्रस्थ मुझे लेना है, निकलूंगा कैसे? पुराना चोर क्या करता है? पहले घुसना नहीं सोचता है, घुसूंगा तो किसी और क्या बोलते हैं स्काईलाइट में घुस जाऊंगा, सीढ़ी ऊपर डोर होता है ना, इसमें घुस जाऊंगा, वापस कैसे आऊंगा? परिवार जीवन जो है ना इतना सहज नहीं है, जटिल है, प्रैक्टिकल डिफिकल्ट। आजकल तो डिफिकल्ट नहीं बोलते हैं, लगा लो 80% से 99% तक डिफिकल्ट है। आप लोग जो ग्रस्त वक्त प्रभु जी लोग है ना, 1-2% मिलेगा जो अच्छे से गुरु और कृष्ण को लेकर जीते हैं, नहीं तो झगड़ा झगड़ा झगड़ा। वो पहले घर से जब निकलते हैं ना, बुरा मत मानिए, घर से जब निकलते हैं कोई भी साधु देखता है ना, ये ब्रह्मचारी लोग इसीलिए सोचते हैं ना, अरे उन लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो प्रभु जी माता जी कितना सुंदर से घर से आ रहे हैं, मंगला आरती अटेंड कर रहे हैं, ब्रह्मचारी बुद्ध बनते हैं ऐसे।
वो सोचते हैं आश्रम में बहुत प्रॉब्लम है, आश्रम में बहुत प्रॉब्लम है, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पति पत्नी दोनों देखो मंदिर को कितना सुंदर से डोनेशन दे रहे हैं, अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, बाहर जब चले आते हैं तो अच्छा है, घर का भीतर घुसते तो रूप अलग है। आपको पता है? नहीं क्या आप शादी नहीं क्यों, क्या पता है? हाँ पता नहीं है ना, पता नहीं है तो अच्छा है। ये 90% कैसे होता है, हम लोग तो पता नहीं, हम भी बाबा जी थे, ब्रह्मचारी थे, ये जो सो गुरु बन गया ना, ये जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलता, अरे तुम ये तिलक लगा रहे हो, भगवान का हरिनाम कर रहे हो, ऐसे हो रहे तुम लोग। आजकल इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, सिर्फ शादी करना, अरे शादी का मतलब सोचना चाहिए ना, अरे एक पत्नी व्रत उधर हो, राम जी ने एक पत्नी, और सुने आप ये विश्वनाथ चक्र ठाकुर का कमेंट्री है, इसमें आएगा दूसरा, शायद ये चैप्टर या दूसरे चैप्टर में आएगा, राम जी क्यों रो रहे थे, सीता जी को जब ले गए रावण, राम जी क्यों रो रहे थे, क्या कारण, इसमें दो चीज है, कमेंटेटर दो चीज लिखते हैं, एक लिखते हैं कि जो विरह रस जो है ना, सेपरेशन जो है, पहले राम जी ने आस्वादन किए, और दूसरा हम लोग के गृह मेधी लोग जो हैं उन लोग को सिखा रहे हैं, तुमको शादी करने का मतलब तुमको रोना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी लिखे हैं, पढ़ लीजिए, मैं कंडम नहीं कर रहा हूँ, गृहस्थ जीवन को कंडम नहीं कर रहा, भाई जिनका जो अधिकार है इसमें रहो, लेकिन तत्व यही है, रोना ही पड़ेगा 99%। और स्पेशली ब्रह्मचारी जो 10-25 साल आश्रम में रह गया है ना, वो कान खुलकर सुनना चाहिए, खुला करना चाहिए, मोबाइल को कान में नहीं देना चाहिए, भागवत को कान में देना चाहिए, पढ़ लो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, 99% रोना ही पड़ेगा आपको, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग का पेशेंस नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, सिर्फ कॉलेज में पढ़ते हैं, बस लड़की भी कॉलेज में पढ़ती है, उम्र हो गया पिता माता शादी कर देते हैं, शुरू हो गया। और एक गृहस्थ एक आश्रम है, कितना पेशेंस की जरूरत होता है, कितना केयर नेचर होता है, कितना कोऑपरेट, इसे पता होना चाहिए। अभी तो एक पत्नी को संभालना मुश्किल है, बहुपत्नी धर क्या बनेंगे आप, आप राजर्षि क्या बनेंगे अभी, और प्रभु ये शादी करना इतना मुश्किल काम हो गया है आजकल। हमारे गुरुजी तो बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे, पिटाई करते थे, अगर कोई ब्रह्मचारी बोलेगा मैं शादी करूंगा, पिटाई करते थे उनको, तुमको स्टूल खाना है, रोना है रात दिन, रोना है तुमको, एक जन्म कृष्ण के लिए दो, ट्राई करना, ऐसा नहीं कि कोई सोचना नहीं चाहिए कि मेरा इंद्रियम बहुत असंयम है मुझे शादी करना, भाई तुम तो अभी अनकंट्रोल हो, ब्रेक नहीं लग रहा है, तुम शादी करने के बाद तो फिर अनकंट्रोल हो जाएंगे, नहीं तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, इतना सहज काम नहीं शादी करना। देखो मैं देखा हूँ पुराना जमाने में, उनका लड़का अच्छा नहीं है ना, पिता माता बोलते हैं उनके लिए मैं कभी लड़की नहीं ढूंढूंगी, कभी नहीं ढूंढूंगी, वो मेरा लड़का हो सकता है, वो अच्छा लड़का नहीं है, वो झगड़ा लगेगा, अभी तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो मोबाइल है पकड़ लेते हैं किसको, तुम्हारा हालत क्या होगा सोच लो, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं सुन लीजिए, 6164 तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं अजामिल चरित में, वन शुड बी सैटिस्फाइड विथ हिज मैरिड वाइफ, ये मन का काम है, मैं थोड़ा खुलम खुला बोल देता हूं इसलिए बुरा मत मानिए, ये एक मानसिक विकार है, काम क्या है, मानसिक विकार है, किसका भी हो सकता है, आजकल ज्यादा अनकंट्रोल क्यों है, उन लोग का कोई जीवनचर्या ठीक नहीं है, कभी भी सो जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी नहाते नहीं है, क्या क्या खाना चाहिए उनको भी पता नहीं, इसलिए लस्ट बहुत प्रोमिनेंट हो गया है, खाना पीना का ऊपर, खाना पीना भी हम बोलते हैं ना प्रसाद लेते हैं, भाई प्रसाद तुम लेते हो ठीक है, भगवान जितना बार नहीं लेते हैं उससे ज्यादा बार भी हम लोग लेते हैं, भगवान जितना प्लेट में लेते हैं देखो उनसे ज्यादा हम चढ़ा देते हैं,
तो क्या ये हो सकता है कंट्रोल? चाहे गृहस्थ तो ब्रह्मचारी हो, कंट्रोल नहीं कर सकते तुम्हारा शरीर को। ये जो जीवनचर्या ठीक नहीं है। और ये जो भी थाना है, जो मोबाइल आ गया बड़ा मोबाइल, इसमें काम क्रोध और क्या बोलते हैं वन इन ऑल, वो पैकेज दे रहे हैं, बोल रहे हैं ना क्या बोलते हैं ऑल इन वन पैकेज, क्या बोलते हैं इंटरनेट और क्या क्या रहता है मुझे पता नहीं, वो कोई डाल देता है मेरा, बोलो क्या क्या पैकेज देते हैं एक सिम में, क्या क्या पैकेज देते हैं? हाँ हाँ अनलिमिटेड, वो लिखता है ना अनलिमिटेड कॉल, अनलिमिटेड इंटर, अनलिमिटेड इसका मतलब तुम अनलिमिटेड अभी एंजॉय करो, माया में जाओ। ये आने का बाद पूरा दुनिया खराब हो गया। इसमें तो सब है, लस्ट है, एंगर है, ग्रिड है, जितना है भीतर है सब, ये वस्तु धर्म है। अरे छोटे छोटे बच्चे तो पूरा बर्बाद हो गए, बड़े आदमी का बात क्या बोलेंगे? जो पहले से सेल्फ कंट्रोल नहीं है उस शादी का बाद क्या सेल्फ कंट्रोल बनेगा? हमारे जमाने में हमारा, मेरा तो ये है याद है बिल्कुल, हम जब प्लस टू प्लस थ्री पढ़ते थे ना, कोई लड़की हमारे घर में आ जाएगा तो हम भाग जाते थे, हमको इतना शर्म लगता था वो लड़की है। गांव में लोफर बोलते थे, अगर कोई लड़की से तुम बातचीत कर ली हो ना, लोफर बोलते थे, अगर लोफर, उनका कपड़ा थोड़ा पहनना अलग हो जाता था, ये बाल वगैरह थोड़ा ऐसे ऐसे रखते ना, वो लड़के से हम नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते, वो लोफर है। अभी तो हिप्पी जैसा हो गया, और वो लोग शादी करेंगे। देखो पहले शादी का इंप्रेशन जिनका मन में है, पूरा शादी क्या है जिनको पता है, तो ये तो मानसिक विकार हो गया कि नहीं? अभी तो सब पूरा पता है, फिल्म पूरा पता है, जब खुद हीरो बनता है तब तो पता चलता है। अरे अरे अरे, वो पूरा कंपेयर में लग जाता है। तो भोग ऐसा चीज है, अभी तो मैं भोग रहा हूँ, ये तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे फिर भोगना है। अभी तो यही प्रभुपाद जी बोलते हैं, वन शुड बी सेटिस्फाइड विथ हिज मैरिड वाइफ, सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये पांच चीज में एक नीतिका लिख रहे हैं, भगवान के भक्त के सिवा कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है। ये काम इतना, ये जो डिजायर है इसका प्रभाव है पांच चीज में। एक है स्त्री सु, स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री से संतुष्ट कभी नहीं हो सकता है। सब सोचते मेरा पत्नी अच्छी नहीं है, अब वो भी बोलते हैं मेरा प्रभु जी अच्छे नहीं, उनका प्रभु देखो कैसे हैं, कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, वो ऐसा चलता है, कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। नारी पुरुष से, पुरुष नारी से, और धन, धन में कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हो। जीवितव्य सुहु, जीने में, 70 ईयर हो, 80 ईयर हो, कितना भी हो, और जीना की इच्छा है। कितना हुआ धन, नारी और वृत्ति सुहु, खुद का जो जीविका है, जिसे पैसा कमाते हैं ना, जो जब है, इसमें कोई संतुष्ट नहीं होता है। और स्त्री सु, जीवितव्य सु, क्या क्या रहा, कितना हुआ, चार हुआ, और एक है जीना, और एक भूल जा रहा हूँ। ये नीति चाणक्य लिखे हैं, इसको चाणक्य नीति में देख लीजिए, धन, नारी, हाँ आहार, भोजन में भी संतुष्ट कभी नहीं होता। वो ऐसे लिखे हैं, नहीं हुए हैं, नहीं हो रहे हैं, नहीं होंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए लिखे। ऐसा नहीं कि पहले संतुष्ट थे, नहीं, कभी नहीं हो सकता है अगर वो भक्ति नहीं करेंगे, कि मन का विकार है, इंद्रियों का प्रभाव है। जब तक शुद्ध भक्ति हम नहीं करेंगे, इंद्रियों को सुख नहीं मिलेगा, तब तो उनका पीछे भागेंगे। शादी से मतलब क्या है, सेल्फ सेंसेस कंट्रोल, मतलब नहीं शादी हो जाएगा सेंसेस कंट्रोल हो जाएगा, सेंसेस उनको ट्रांसडेंटल करना है, दिव्य करना है। वो जब तक दिव्य नहीं होते हैं, उनको रस नहीं मिलता है, वो जड़ रस में मग्न रहते हैं। रसोपि रसवर्यम परम दृष्टवा निवर्तन, लिखे ना ठाकुर जी, परम दृष्टवा, प्रभुपाद जी लिखे, फॉर इवन ए स्लाइटेस्ट डेविएशन विल क्रिएट हैवॉक,
जो शादी की हैं, एक पत्नी व्रतधर होना चाहिए। थोड़ा इधर उधर कर लेंगे ना, ये बहुत बड़ा। अभी तो यही हो रहा है, जितना झगड़ा घर में चल रहा है ना, मैं देखा हूँ बाहर कर्मी लोग को वही बोलते हैं, अगर पत्नी तुम इतना मोबाइल क्यों, किसका सा चैटिंग कर रहे हो, वो बोलता है, वो उनको डाउट करता है, वो उनको डाउट करता है। एक मेंटेलिटी हो गया है, सबका सस्पिशियस नेचर है। कैरेक्टर को लेकर एक अच्छा आदमी है कि नहीं, दोनों दोनों का अपने डाउट है। समाज ऐसा हो गया है, प्रभुपाद इसलिए बोल रहे हैं, इफ फॉर इवन ए स्लाइट डेविएशन विल क्रिएट ए हेवोक, ए कृष्ण कॉन्शियस गृहस्थ शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस। किसी से नहीं, शादी किए हो तो तुम्हारे पत्नी से रहो, और पत्नी से भी ज्यादा अटैच होना ये भी इलिसिट सेक्स है। हमारा गुरुजी ऐसे बोलते थे, पत्नी कृष्ण दासी है, ऐसा नहीं कि वो मिला है तुमको एंजॉय करने के लिए, वो कृष्ण का है ना, एक आत्मा है ना, तो ये विजन नहीं है ना, फिर वो भी अपराध है। ही शुड ऑलवेज बी सैटिस्फाइड विथ वन वाइफ एंड बी पीसफुल सिंपली बाय चैंटिंग द हरे कृष्ण मंत्र, अदरवाइज एट एनी मोमेंट ही मे फॉल डाउन फ्रॉम हिज गुड पोजिशन एज एन एज एग्जाम्पलीफाइड इन केस ऑफ अजामिल। अजामिल का जैसा पतन हो गया, ऐसे कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस ग्रस्त हो सकता है, अगर थोड़ा डेविएशन करेगा ना, उनका हालत ऐसे हो जाएगा। बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके रहना, चाहे मैरिड हो मैरिड नहीं हो, जब तक ये दृष्टि नहीं हो, एक आत्मा है, तब तक शास्त्र ने हमको अलग रखे हैं। अगर शादी भी कर ली है ना, आर्टिस्ट है, मेरा पति मेरा पत्नी मेरा लड़का ये है, वो बहुत पीछे पड़ जाते हैं। ये कृष्ण का है, मेरा 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 होंगे तो अब कब छोड़ेंगे, कब घर घर कब छोड़ेंगे, भजन कब करेंगे। और इसका रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है, भागवत बोल रहे हैं, मैं क्या करूं, भागवत बोल रहे हैं, भगवान कपिल देव बोल रहे हैं, 331:41, यंग मन्यते पति मोहात मनमायाम सभायतिम स्त्रीत्वम स्त्री संगा तो प्राप्तम बीतापत्य गृहपत्यम गृहपदम। यंग मन्यते पति मोहात, नारी और पुरुष दोनों दोनों के लिए माया है, दोनों दोनों के लिए अनर्थ है। प्रभुपद ने इतना स्पष्ट लिखे इसमें, जो अटैचमेंट है ये बाधक है। शादी में वही होता है, कभी कभी हम ऐसे नहीं कि ब्रह्मचारी बन गए इसलिए हम कंडेम्ड कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये घृणा किसको नहीं करते हैं, सब वैष्णव है ना, जिनका आसक्ति नहीं है वो बड़ा है। गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो वनप्रस्थ हो संन्यास हो, जिनका आसक्ति गुरु और कृष्ण से है वही बड़ा है। प्रभा जी बोल रहे इसलिए वो हमारा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये आसक्ति ज्यादा गृहस्थ आश्रम में हो जाता है, इसलिए आचार्य बोलते तुम ब्रह्मचारी बनो, ब्रह्मचारी को सब प्रीफर करते हैं, क्योंकि हो जाता है। और इसमें विश्वनाथ चक्र ठाकुर कमेंट्री में क्या लिखे हैं, पत्नी सोचना चाहिए ये कौन है पति, मेरा पति कौन है। इसको आजकल तो पिचिंग करेंगे तो हमको पकड़ लेंगे, आप ऐसे बोल रहे हैं, भाई मैं नहीं बोल रहा हूं, भागवत बोल रहे हैं। मन माया मृषभा, ये मेरा जो पति है ना, ये भगवान की माया है। तो आप ऐसे बोलेंगे, आप आपका प्रभु जी को बोलेंगे, भागवत बोलने का बाद ऐसे बोलेंगे आप, तो उल्टा हो जाएगा ना। हमारा विजन जब एंजॉयिंग मेंटालिटी है ना, डेंजरस है। ये दोनों दोनों के लिए माया है। अब प्रभुपाद जी इतना स्पष्ट लिखे हैं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में लिखे हैं, यथा भक्ति ज्ञानवताम पुंसाम योषित अनर्थ हेतु, भक्ति ज्ञानवताम पुंसाम, जिनका भक्ति है और ज्ञान है वो पुरुष के लिए जोषित अनर्थ है, नारी अनर्थ है। तथैव भक्ति ज्ञानवतीनाम जोषिताम पुमांसित इत्याह। कोई डिस्क्रिमिनेशन शास्त्र में नहीं है। कभी कभी डिवोट लोग बोलते हैं ना, नारी को छोटे कर दिया जाता है, पुरुष को बड़ा, जो आसक्त है वो गिरे हुए है, चाहे पुरुष हो या नारी। ये कंक्लूजन, जो ज्यादा अटैच्ड है वो छोटा है, पुरुष हो सकता है नारी हो सकता है, इसमें क्या है,
देखो शंकरदास स्पष्ट बोल रहे हैं, इसी को ही प्रभुपाद ट्रांसलेट किए, भक्ति ज्ञानवान पुरुष के लिए नारी जैसे अनर्थ है, और भक्ति ज्ञानवती नाम जोशिताम पुमश्चित इत्या, यही बोल रहे हैं इस श्लोक में। भक्त अगर कोई मां जी है, नारी है, वो भक्त ज्ञानवती है, भक्तिमती है, और उनके लिए पुरुष अनर्थ है, दोनों दोनों के लिए। और अंतिम क्या होता है, स्त्रीत्वम स्त्री संगात प्राप्तो, पुरुष अगर आसक्त हो जाता है ना नारी नारी के ऊपर, उनका क्या हालत होता है, नारी शरीर मिलता है, स्त्रीत्व प्राप्त। नारी शरीर क्यों मिला है पता नहीं, आपको पुरुष शरीर क्यों मिला है, भागवत पढ़ना चाहिए ना, वृंदावन में रहते हो ना, भागवत पढ़ना है, प्रभुपाद का भागवत 3 बार कंप्लीट करना है, तब तो पता चला जाएगा भागवत में क्या है, कौन सा वर्ष में क्या लगेगा, कौन सा वर्ष में क्या है, पूरा भागवत मन में रहना चाहिए ना। पुरुष शरीर क्यों मिला है, नारी आसक्त थे इसलिए पुरुष शरीर में, नारी थे पुरुष का ऊपर आसक्त था इसलिए पुरुष शरीर है। और नारी शरीर क्यों मिलता है, पुरुष थे नारी का ऊपर आसक्त था। स्त्री तुम स्त्री संगात प्राप्त, स्त्री संग संग आसक्ति, स्त्री संग से स्त्री शरीर मिल गया है। और इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन ए मैन एंड वोमैन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। प्रभुपाद जी सब स्पष्ट लिखे हैं, इतना सुंदर लिखे हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। देखो हम आप लोग शादी किए हैं, जो लोग शादी किए हैं ना, ठीक है वो भक्त है, डिवोटी, डिवोटी मेंटेलिटी रखना चाहिए और गुरु कृष्ण की सेवा में रहना चाहिए। हमारा गुरुजी जैसे जब बोलते थे ना, हम ऐसे तुम्हारे जैसे नए बच्चे 1-2 साल के थे, आश्रम में जॉइन किए थे, वो तो बिल्कुल ऐसे बोलते थे, तो माया के साथ रह रहे हो, ग्रस्त 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 जो ग्रस्त डिसाइबल को ऐसे बोलते थे, और जब पत्नी ही भी दिखा लिए तो माया के साथ रह रहे हो, आ जाओ मंदिर आओ, भागवत क्लास क्यों नहीं आए, तो माया के साथ हो, ऐसे बोलते थे। जो अटैचमेंट है वो क्या है, वो तो माया है। गुरु कृष्ण से अटैचमेंट बढ़ाना है, ये बाधक है ना, शादी को कोई मना नहीं कर रहा है, जब ये बाधक हो जाता है गुरु और कृष्ण की भक्ति में, ये बाधक हो जाता है, जनरली अटैचमेंट आ जाता है, रोकना इतना संभव नहीं है, प्रैक्टिकली डिफिकल्ट। मैं तो बार बार इसको दोहराता हूं, हमारा गुरु जी जो बोलते हैं, इन गृहस्थ आश्रम इफ यू आर सीरियस देन स्लो प्रोग्रेस, इफ यू आर नॉट सीरियस नो प्रोग्रेस, प्रोग्रेस कभी नहीं होगा। सीरियस ब्रह्मचारी लोग जैसे मानते हैं ना, ऐसे अगर मानेंगे तो थोड़ा प्रोग्रेस होगा, क्यों, इसमें अटैचमेंट में अटैचमेंट का बहुत चांस है, 99% चांस। प्रभुपाद स्पष्ट बोले, द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वोमैन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट द सब्सटेंस इज दैट वन हु एस्पायर टू असेंड द ट्रांसडेंटल स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन शुड वेरी केयरफुल इन एक्सेप्टिंग द एसोसिएशन ऑफ ए वोमैन। जो आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं उन लोग के लिए बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके रहना है। और क्या लिख रहे हैं, ए मैन शुड नॉट बी अटैच्ड टू वोमैन, नॉर शुड ए वोमैन बी अटैच्ड टू ए मैन, बोथ मैन एंड वोमैन शुड बी अटैच्ड टू सर्विस ऑफ लॉर्ड। ये है कृष्ण कॉन्शियस, शादी भोग के लिए नहीं है, हमारा जो शादी है, शादी करना तो भगवान के लिए शादी करो, सेवा करना है, दोनों मिलजुल कर सेवा करना है, नहीं तो आसक्ति आ जाएगा तो गया। एक पत्नी इसमें भी अटैच, एक पत्नी में भी कितना चैलेंज है। और अटैचमेंट क्या है, क्या जाता है, वो लिख रहे हैं, राम जी सिखा रहे हैं, देखो गृह में भी लोग का ही अटैचमेंट आ जाएगा। रासलीला में जो रासलीला में ठाकुर जी जो सेवा कर रहे थे ना, इसमें देख लिए सुखदेव गोस्वामी क्या बोले हैं, वही बात ही बोले हैं,
गृह मेधी लोग को शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, कौन सा ये वर्ष है, किसका याद है? मेरा थोड़ा याद आ जाएगा तो बहुत सुंदर वर्ष वो है। रासलीला में ठाकुर जी दिखा रहे हैं, नारीणाम च दुरात्मनम, नारी का दुरात्मन देख लो और पुरुष का आसक्त। नारी लोग क्या बोलने लगे ना कृष्ण को, गोपी लोग बोलने बोले कि नहीं, कृष्ण मेरा मैसेज करो, मेरा पांव दर्द हो रहा है, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। और इसमें सुखदेव गोस्वामी लिखे हैं हमारे शिक्षा के लिए, सब भागवत में है। और नेक्स्ट वर्ष में 331-42 नामात्मनम बीजानियात पत्यापत्या गृहात्मकम दैव पोषादित मृत्यु मृगयो गानयो यथा। भीजन कैसा रहना चाहिए? अगर गुरु की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, हमारा दासी विजन है तो ठीक है, मेरा पत्नी है वो एडजस्टमेंट है ना, वो तो स्पष्ट बोल रहे हैं। तांग माया पत्यादि रूपम मृत्यु जानियात, ये मृत्यु है, भागवत ऐसे ही बोल रहे हैं। क्या बोले आप? भगवान की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण दासी है, नहीं तो अगर आप सोचते मेरे पत्नी है, एंजेबल ऑब्जेक्ट है, ये मृत्यु है। तांग माया पत्यादि रूपम मृत्यु जानियात जथा मृगयो लुब्धकस्य गानम सुखदम अपि मृग मृत्यु जानियात। हिरण जैसे है ना, सुनने को तो बहुत अच्छा लगता है गान, मरना ही बराबर है। और जिनका यही विजन नहीं है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना, तो मरना तो बराबर हो जाएगा, ये लिख रहे हैं। और ये परपट में क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद, इतना सुंदर लिखे हैं उस परपट में, नॉट ओनली द ओ मैन द गेट वे टू हेल्प फॉर मैन, बट द मैन इज ऑल्सो द गेट वे हेल्प फॉर वुमैन, दोनों दोनों के लिए नरक का रास्ता बन जाते हैं। तो वो अटैच हो गया, वो क्या करेगा, वो अटैच हो गया, दोनों दोनों के लिए माया है। तो हम माया में फंसने के लिए नहीं आए हैं कृष्ण चेतना को, हमको सेवा करना है। देखिए प्रभुपाद के टाइम में, एक जब अमेरिका गए थे, प्रभुपाद के डिसाइपल लोग बोलते थे, हम लोग उस समय शादी नहीं किए थे, हमारा कलकंठ प्रभु, पता है ना आपको कलकंठ प्रभुपाद के डिसाइपल, उनके फार्म में गया था, दोनों बैठकर बातचीत कर रहे थे, प्रभु जी की पत्नी पास में बैठे थे माता जी, वो खुद ही बोल रहे थे, वो शादी करने से पहले वो कैसे रहते थे, वो ब्रह्मचारिणी आश्रम में रहते थे, वो ब्रह्मचारी आश्रम में रहते थे, कुछ नहीं था, श्री प्रभुपाद और प्रभुपाद का बुक्स, सेवा करते थे। तो हम लोग का कुछ नहीं था, प्रभुपाद के लिए कुछ करना है, शादी भी करना है, जो भी करना है प्रभुपाद का सेवा करना है। नॉट ओनली वोमैन इज द गेट वे टू हेल्प फॉर मैन, मैन इज ऑल्सो द गेट वे टू हेल्प फॉर वोमैन। पुरुष के लिए नारी नरक का रास्ता है, नारी के लिए पुरुष भी नरक का रास्ता है। अरे नरक का रास्ता क्यों बोल रहे हैं? तो आसक्ति हो जाती है, भजन नहीं होता है, भजन नहीं होगा तो क्या होगा, गुण का प्रवाह रहता है, यही बोल रहे हैं। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ अटैचमेंट, प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये आसक्ति का प्रश्न। ए मैन बिकेम अटैच टू वुमन बिकॉज ऑफ हर सर्विस, हर ब्यूटी एंड मेनी अदर असेट्स। ये पुरुष, ए मैन बिकेम अटैच टू वुमन, पुरुष नारी का ऊपर आसक्त कैसे हो जाता है, प्रभुपाद बोल रहे हैं, उनका रूप देख लेता है, उनका थोड़ा सर्विस देख लेता है, और दूसरा कुछ चीज वो आसक्त हो जाता है। और वो मैन सिमिलरली, वो मैन बिकेम अटैच टू ए मैन फॉर हिज गिविंग हर ए नाइस फ्लैश टू लिव, अर्नामेंट्स, ड्रेस एंड चिल्ड्रंस। नारी भी ऐसे आसक्त हो जाता है पुरुष का ऊपर, सब प्रभुपाद ने लिखे हैं। जिन लोग को शादी करना है उन लोग थोड़ा पढ़ना चाहिए, और हमारा ब्रह्मचारी भाई लोग अच्छे से पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्योंकि क्या करें, ये सही बात मैं आपको बोल रहा हूँ, ब्रह्मचारी जीवन अच्छा जीवन है, एंग्जाइटी फ्री लाइफ, हमारा गुरुदेव बोलते हैं केयर फ्री लाइफ। थोड़ा परेशान होता है यंग एज में, खाना पीना को कंट्रोल करो, गद्दा जैसा सेवा करो, ये कंप्यूटर लैपटॉप पकड़कर मत बैठो। 10-10 घंटा काम करते थे सॉफ्टवेयर में बाहर कंपनी में, अभी 10 घंटा कृष्ण के लिए करो,
बैठो मत, वर्क हार्ड, समाधि लेटर, सुख बहुत सुख है साधु जीवन में, कोई एंग्जाइटी नहीं है, कुछ नहीं है भाई। एक लगज है क्या, कूपन है, दो ड्रेस है, 5 मिनट लगेगा, पैकिंग करके चलना है, क्या प्रॉब्लम है? इस मंदिर में नहीं जम रहा हो, चलो मायापुर में रहो, मुंबई में रहो, कितना सेंटर है, अच्छा जीवन है। और पुरुष क्या करता है, नारी को दे देता है संतान देता है, अर्नामेंट देता है, घर दे देता है, तो उनका आसक्ति आ जाता है। आजलंगाज आइदर इट जैटेज टू अदर फॉर सच मेटेरियल एंजॉयमेंट, द ओ मैन इज डेंजरियस फॉर मैन एंड मैन इज डेंजरियस फॉर ओ मैन। ये आसक्ति जब तक है ना, एक रेस्पेक्ट नहीं है ना। पहले जमाने में हस्बैंड एंड वाइफ का बीच रेस्पेक्ट था, अभी जो डिवोर्स हो रहा है, झगड़ा रहा, मैं सुन रहा कि जो माता जी आते हैं ना उनको, तुम शादी नहीं करना है, मुझे शादी नहीं करना है, क्यों झगड़ा लग रहे हैं, डिवोर्स हो रहा है, हमको शादी नहीं करना है, क्या कारण है उनका? पीछे कारण मैं बैठ कर सोचता हूँ, अरे इतना पढ़ाई आदमी है, दिमाग है, डिवोर्स क्यों करते हैं? शादी से पहले ना वो जो चस्टिटी रहना चाहिए, वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं किए हैं, दूसरे दूसरे से बातचीत किए हैं, एक इंप्रेशन पैदा हो गया है, पुरुष ऐसे हैं ना, वो नारी को पता है पुरुष ऐसे हैं, पुरुष को पता है नारी ऐसे हैं, और जब शादी करते हैं वो कंपेयर करते हैं, जो पढ़े हैं मोबाइल से, जो पढ़े हैं, जो देखे हैं, जो एक्सपीरियंस किए, मेरा हस्बैंड ऐसे क्यों है, ऐसे करना नहीं चाहिए, मस गया, वो कंपेयर करते करते चलता है, छोड़ देते, डिवोर्स नहीं है हमारा, नहीं, वंस मैरिड प्रभुपाद सेड, वंस मैरिड नो डिवोर्स, वंस डिवोर्स नो मैरिड, पढ़ना है आपका, पढ़ लीजिए थर्ड कांटो में प्रभुपाद जी क्या क्या लिखे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं सेपरेट लेना है, भजन करना है। अब इधर प्रभुपाद लिख रहे हैं, द मैन इज आजलंगाज आइदर इज अटैच्ड टू अदर, एक दूसरे के लिए आसक्त है तो मैन इज डेंजर फॉर ओ मैन इज डेंजर फॉर मैन, समझ रहे हो कि नहीं? ऑनलाइन प्रभु जी पीछे में लिखना है डेंजर, है ना, शर्ट के पीछे लिख दो डेंजर, ये सही बात है, प्रभुपद बोल रहे हैं, आसक्ति आ जाता है ना, डेंजर है। और एक सबसे बड़ा बात है, गंदा बात ही है, दे डोंट नो हाउ टू गिव रेस्पेक्ट टू ईच अदर। तुम आत्मा हो ना, दोनों आत्मा हो, थोड़ा कॉन्शियसनेस में आई हो ना, हस्बैंड भी वाइफ को रेस्पेक्ट देना है, वाइफ भी रेस्पेक्ट हस्बैंड को भी रेस्पेक्ट देना है, रिश्ता में एक रेस्पेक्ट से जीते हैं, जो रेस्पेक्ट नहीं रहता है ना वो अटैचमेंट परमानेंट हो जाता है, लस्ट परमानेंट हो जाता है, लस्ट का कारण ही होता है झगड़ा, खुद का हुई बहुत स्ट्रांग हो जाता है। देखो प्रभुपाद स्पष्ट लिखे हैं, बट इफ द अटैचमेंट ट्रांसफर टू कृष्ण, बोथ ऑफ देम बिकेम कृष्ण कॉन्शियसनेस, देन द मैरिज इज वेरी नाइस, प्रभुपाद बोलते हैं द मैरिज इज वेरी नाइस। दोनों का आसक्ति भगवान से रहना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं घर को मंदिर मत बनाओ, घर में मत रहो, इसकन में मंदिर है, इसकन मंदिर है ना, रात सोने के लिए जाओ, नहीं तो ये इधर है ना, इधर सो जाओ। हमारे गुरु जी ऐसे बोलते थे, ये प्रवचन तो आज नहीं दे सकता हूं, आजकल ऑनलाइन में कितना क्वेश्चन, हमारा गुरु जी ऐसे गृहस्थ को क्लास में बोलते थे, अभी हस्बैंड तुम हो ना, तुम अलग घर में सोना है, पत्नी तुम अलग घर में सोना है, साथ में नहीं रह सकते हो, भागवत क्लास सुनना है, गुरु का सेवा करना है, नहीं तुम क्या करेंगे, नरक जाएंगे, फिर आसक्त होंगे तो क्या करेंगे, नरक जाएंगे। ऐसे ये चाइल्ड फ्ले, गुरुदेव बोलते हैं सन्यास इज नॉट ए चाइल्ड फ्ले, मैरिज इज नॉट ए चाइल्ड फ्ले। एक डिवोटी में पूछ रहा था, तो बोलो वो मेरा डिसाइपल है, उनको मैं पूछता हूँ बीच बीच में, तो शादी में क्या सुख है, ब्रह्मचार्य लोग को सिखाने के लिए क्या करूँ, तो वो नारी है, वो मुझे बोले गुरुदेव कब तक सुख है, साज बाज सजाना, जब तक ये क्या म्यूजिक बजता है ना, फोटो खींचना, सब लोग आएंगे क्या क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तब तक सुख है, सुख तब तक है,
मेरा शादी हो रहा है, इनविटेशन कार्ड दो, इतना गेस्ट आ रहा है, सब खा रहा है, फोटो खींचना है, तब तक सुख है, उसका बाद तो तब तक तो मेरे सिस्टम भगवान ने क्यों किए? नहीं, एक नारी को आश्रय चाहिए, और जो पुरुष संयम नहीं है उनको भी थोड़ा आश्रय चाहिए, नहीं तो वो नरक जाएगा। देखो दोनों दोनों शेल्टर के लिए शादी किए हैं, दोनों दोनों का आश्रय है, लेकिन वास्तव की तो फॉल्स आश्रय, कृष्ण को आश्रय दोनों ही करना चाहिए। प्रभुपद इसलिए बोले एज लॉन्ग एज आइदर इज अटैच्ड टू अदर पर्सन मटेरियल एंजॉयमेंट द वुमन इज डेंजरस फॉर मैन एंड मैन इज डेंजरस फॉर वुमन, बट इफ द अटैचमेंट ट्रांसफर टू कृष्ण बोथ ऑफ देम बिकम कृष्ण कॉन्शियस देन द मैरिज इज वेरी नाइस। दोनों मिलकर सेवा करना है गुरु जी का, भगवान का। मिनिमम टाइम घर में देना है, मैक्सिमम टाइम गुरु का सेवा में, ठाकुर जी का सेवा में देना है। कितना बार प्रभुपाद जी बोले हैं, और एक परपोट में प्रभुपाद 7 कैंटो 26-28 परपोट में प्रभुपाद बोले हैं, ए मैन शुड बी एन आइडियल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड एंड वुमेन शुड बी एन आइडियल वाइफ लाइक द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, देन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ विल बी सो फेथफुल एंड स्ट्रांग दैट बाय एक्टिंग टुगेदर दे विल रिटर्न होम बैक टू गॉडहेड विदाउट डाउट। कभी कभी ग्रस्त भक्त लोग प्रश्न करते हैं, क्या हम लोग गोलोक वृंदावन जा सकते हैं? देखो प्रभुपाद स्पष्ट बोल दे, जा सकते हो, ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी के लिए सिर्फ रिजर्व है, जिनका आसक्ति भगवान के चरण कमल में है वो है ब्रह्मचारी जीवन में फैसिलिटीज, भजन करने के लिए, प्रेम वृद्धि करने के लिए, भगवान से आसक्ति बढ़ाने के लिए स्कोप है। पूरा दिन भर कोई ब्रह्मचारी इधर भजन करेगा, कोई उनको मना करेगा? हमारे ब्रह्मचारी लोग ना खिचड़ी खाते हैं, रात भर चंटिंग भी करते हैं, उनको कोई मना कर? अरे घर में आप बोलेंगे मैं नहीं सोएंगा, तुम सो जाओ, मैं रात भर चांडिंग, वो बोलेंगे पिताजी आप जब तक नहीं सोएंगे मैं नहीं सोने वाला हूं। लड़का रोएगा नहीं तो पत्नी रोएगी, सब पकड़ेंगे आपको, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? एक डिबोटी में पूछ रहा, अरे तुम रोगी हो गए हो, रात में क्यों खा रहे हो? वो बोले क्या करूं, घर में जाता हूं झगड़ा करती है, तुम दुबला पतला हो जाएगे, क्यों नहीं भोज? अरे उनका शरीर है, तुम ये तुम्हारा शरीर है क्या? इतना अटैच्ड है, तुम खाओ। अरे कृष्ण को ऐसे खिलाओ, वो रोगी हो गया है, नहीं तुम और खाओ, दो चौपाटी ले जाओ, तुम पतला हो रही हो, ये सब एक्स्ट्रा अटैचमेंट है। ये नहीं, प्रभुपाद बोलते हैं फैथफुल और स्ट्रांग हो जाते हैं, कैसे? ए आइडियल सर्वेंट, हस्बैंड शुड बी आइडियल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, भगवान के एक आदर्श सेवक होना चाहिए, और पत्नी श्री जी जैसे हैं, लक्ष्मी जैसे हस्बैंड को सेवा करती है, चेस्टिटी है, वो रहता है तो वो गोलोक वृंदावन जाएंगे। राम जी इसको सिखा रहे, एक पत्नी व्रत धर होना चाहिए, और प्रिंसिपल यही है। ठीक है, अभी तो टाइम हो गया है, 9 बजे तक क्लास बंद है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ कृष्ण, जो भजन हरि भजन नहीं करता है, चाहे देवा देवी की पूजा करे, तो पाप करता है कि नहीं? पाप करता है ना, पाप करने वाले तो नरक को जाएगा। हरि नाम जो नहीं करते हैं भगवान का भक्त नहीं बनते हैं। अजामिल चरित में देख लीजिए, देवा देवी को भजन करने वाले वो स्वर्ग जाते हैं, वो सब समय तो देवा देवी का भजन नहीं करते हैं, पुण्य नहीं करते हैं। 9 दिन क्या बोलता, क्या होता है रामनवमी से पहले नवरात्र, और उड़ीसा में से कार्तिक महीना है, 9 दिन तो मान लेते हैं, उपवास कर लेते हैं, 10वां दिन शुरू कर देते हैं खाना पीना,
तो ये पुण्य और पाप दोनों मिलाकर चलता है, वो तो नरक ही जाएंगे, कुछ दिन नरक में रहेंगे, कुछ दिन स्वर्ग में रहेंगे, फिर विचार होकर उनको शरीर मिलेगा। लेकिन भगवान का भक्त का ये होता है, कम से कम जो लोग ये चार नियम पालन करते हैं वो नरक तो कभी नहीं जाएंगे, गारंटी है नरक नहीं जाएंगे। किबा सती जति किबा नीच जति जई हरि नाई भजे भवे भ्रमिया भ्रमिया भवे जनमिया भ्रमिया भ्रमिया रोरो व नरक मजे। कभी कभी गृहस्थ लोग बोलते हैं मत, कभी कभी डिवोट लोग वैसे प्रीचिंग कर रहे हैं, तुमको भजन नहीं करना है, तुमको हस्बैंड फॉलो करना है। हम मनु महाराज का संगीता फॉलो नहीं कर रहे हैं, भजन सबको करना है, इंडिविजुअल सोल है। किबा सती जति, जति मतलब सन्यासी, कोई सन्यासी हो सकता है, जति कोई सन्यासी सती नारी हो सकता है, सती हो या जति हो। किबा नीच जाति, कोई बोलता है मैं नीच जाति का हूं क्या भजन करूं, जय हरि नाई भजे, ये किसका भजन है, ब्रजेंद्र नंदन भजे जेई जन सफल जीवन तार। देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, नरक को जाना पड़ेगा उनको, सती हो जति हो नीच जाति हो, जो भजन नहीं करेगा वो नरक जाएगा। ठीक है, और किसका है क्वेश्चन कोई? दो चीज हमको देखना है। देखो ब्रह्मचारी बनने से पहले मुझे जितना पता है, मैं प्रभुपाद जैसा शुद्ध भक्त नहीं हूँ। तुम जो लाल कपड़ा लेता है ना, लाल कपड़ा लेने से पहले पहले सोचना चाहिए, ये लाल कपड़ा जो आप पहनते हो ये गुरु के, ये गुरु का सिंबल है, गुरु जी ने आपको दिए है ना, एक संस्था का सिंबल है, इस्कन का सिंबल है। अगर तुम्हारा इतना वीकनेस है तो लाल कपड़ा क्यों लेते हो, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर एक्सीडेंटली कुछ हो गया है ना, देखो बहुत सावधानी में रहना है हमको, उत्साहवशत कोई सेवा ऐसा करेंगे, कोई भागवत प्रिंसिपल को फॉलो करना है, ऐसा नहीं जैसे खाएंगे जैसे सेवा करेंगे जो भी करेंगे हम, भाई हमको प्रीचिंग करना है, हमको डिवोटी बनाना है। भाई डिवोटी एक ब्रह्मचारी का ऊपर कितना डिवोटी टिक कर रहते हैं, तो एक ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ देता है कितना असर पड़ता है ना। हमारे जमाने में सब नहीं था, हम काल में बातचीत कर रहा था, वो गुरुकुल गया था ना प्रभु जी का, उरिया प्रभु जी, वो बातचीत कर रहा था, हमारे उरिया में इतना घृणा करते हैं, अगर कोई लाल कपड़ा चेंज करते शादी करता है ना, उनको गांव में गाली भी देते हैं, गांव में गाली देते हैं। ये गाली नहीं सुनना पड़ता है और गुरु जी का शासन नहीं है, इसलिए ब्रह्मचारी लोग डीलम डेला हो जाते हैं। क्यों आश्रम चेंज, तुमको शादी में क्या सुख मिलेगा, 10-20 साल तुम जितना सुख मिला है ना उतना रोना पड़ेगा, आपको पता नहीं है। आप जाइए ना, मैं एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, सब ब्रह्म सीनियर लोग मुझे बोलते हैं कितना दुख है, कितना दुख है गृहस्थ आश्रम में, जब घर छोड़े थे कितना सुंदर वैराग्य था, आज गुरुचरण में मति नहीं रहा है, सेवा नहीं कर रहे हैं, इसी की वजह से आज आश्रम छोड़ रहे हैं। जो 10-20 साल आश्रम में रहे हैं ना, स्वप्न में भूल जाइए, मैं इसको यही ट्रेनिंग देता हूँ ब्रह्मचारी लोग को, भाई पहले ब्रह्मचारी बनना है ना, पहले सोचो कि मुझे मरना है फिर भी शादी नहीं करना है, ब्रह्मचारी लाइफ यही है, मुझे मरना है लेकिन शादी नहीं करना है, क्योंकि माइंड में थोड़ा पॉइंट रहता है ना, घूम फिरा कर फिर ले जाता है, माइंड चीटिंग करता है। अगर कोई सिंसियर है ट्राई करके वो शादी कर ली है ना, देखो पतन यही होता है, पतन का मतलब जब गुरु कृष्ण अनुगत्य नहीं रहता, अनुगत्य अंतर में नहीं है, वो ब्रह्मचारी था, अभी थोड़ा कुछ हो गया, गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं,
रेस्पेक्ट उनका गुरु अनुगत्य है ना, ठीक है, हम इसको घृणा क्यों करेंगे। लेकिन इस खुलम खुला बात मैं बोलता हूँ, खुलम खुला बात है, सब सीनियर जितना लोग छोड़े हैं, जितना शादी किए हैं, सब लोग मेरा पास ही बोलते हैं महाराज इसमें कुछ सुख नहीं है। मैं एक कानपुर में एक ब्रह्मचारी, वो तो नहीं आया, उनको पूछा तुम्हारा दोस्त कोई शादी किया ना, वहाँ किए, मैं बोला उनको पूछे हो कभी ना, हूँ क्या क्या बोले तुम्हारा दोस्त, वो बोले हम जैसे सोच रहे थे गृहस्थ आश्रम इतना सुख मिलेगा, ये वो सोच से सुख छोड़ दीजिए, सोचते भी दुख और ज्यादा है, जितना दुख हम सोच रहे थे इतना दुख मिलेगा उससे भी ज्यादा दुख मिल रहा है। स्पेशली किनको मिलेगा, जी लोग ब्रह्मचारी थे, मैं तो बोलता हूँ ब्रह्मचारी मतलब सांड है, सांड देखो ब्रज में घुसता है, दिन में सोता है रात में खाता है, वो किसका खेत में घुस जाता है, ब्रह्मचारी लोग ऐसे है ना, कोई केयर फ्री लाइफ। अभी कितना ब्रह्मचारी को, तुम ब्रह्मचारी हो ना, नहीं हुआ, गृहस्थ भी नहीं हो ना, गृहस्थ नहीं हो, हाँ हाँ ब्रह्मचारी है ना, अभी तो गृहस्थ नहीं बनने हो ना, तो इलेक्ट्रिक यूनिट का तो बताओ ना, डरो मत, पता है कमर्शियल यूनिट कहता है कितना है, ये शादी करेगा, पनीर 1 किलो कितना है पता नहीं, हैं 150 रुपया, मैं 150 रुपया दे दूंगा लाऊना पनीर 1 किलो। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, दुनिया क्या पता नहीं है, ऑयल का भाव क्या है, वेजिटेबल का भाव क्या है, ये तो दुनिया पता नहीं है, फिर लाइफ का बात तो पता नहीं है। पत्नी झगड़ा करती तो क्या करना चाहिए, उसको कैसा मनाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, पिताजी जब गुस्सा होकर पिटाई करता है तो क्या बोलना चाहिए, बोलते हो ना, एक बार शादी जब कर लेते हो ना, पत्नी बोलेगी तुम्हारा पिता अच्छा आदमी नहीं है, और पिता बोलेगी तुम्हारा पत्नी अच्छा आदमी नहीं है, तुम बीच में हो, और दोनों दोनों आगे में गुस्सा देंगे, आगे में तुमको पुश करेंगे, पीछे में पुश करेंगे, तो इसको कैसे टैकल करना है, ये ट्रेनिंग तुम लिए हो, मुझे शादी करना है, मुझे शादी करना है, ये शादी क्या चाइल्ड प्ले है, और ब्रह्मचर्य जीवन के सांड है भाई, ठीक है आज ये सेवा कर रहे, प्रेसिडेंट बोले चलो इधर सेवा करो, करना है, खाना पीना देखो ब्रह्मचर्य लोग कैसे घूमते हैं, आराम जीवन है, लेकिन इतना है ठाकुर जी इतना देते हैं ना हम लोग को, उनका दास बनने के लिए, सेवक बनने के लिए। हाँ हो गया, टाइम हो गया, चिंता मत करो, प्रसाद का बेल है प्रसाद लेना है आप लोग को, टाइम हो जाएगा। तो ब्रह्मचर्य जीवन अच्छा है, अरे ऐसा नहीं कि गृहस्थ जीवन में निंदा करता हूँ, गृहस्थ जीवन उससे भी अच्छा हो सकता है, ब्रह्मचारी सिंगल सेवा कर रहा है, आप अगर डबल ब्रह्मचारी बनना है डबल सेवा करना है, पति पत्नी दोनों हो गए कि नहीं, दोनों गुरु का सेवा करना है, डबल सेवा, मंदिर में आना है पूरा सेवा कर, जैसे प्रभुपाद जी टाइम में 60% गृहस्थ आश्रम में रहते थे, 40% आउटसाइड में रहते थे, अभी तो आश्रम में पेमेंट में ही चलता है, सब कुछ में पेमेंट दो पेमेंट दो पेमेंट दो। मैं तो वही बोलता हूँ, दीक्षा ले जाते हैं गुरुजी आश्रम में, रोता है मेरा पुजारी कोई नहीं है, कि गृहस्थ आश्रम अच्छा से, उनका चेला का आश्रम अच्छा से चलता है, गुरु का आश्रम गुरु रो रहे हैं और मंत्र लेकर चले जाते हैं, इसलिए सेवा करते तो कोई डिफरेंस नहीं। प्रभुपाद बोलते हैं डेवलप अटैचमेंट टू गुरु एंड गौरांग, ठीक है टाइम हो गया है तो प्रसाद लीजिए। हरे कृष्णा, तुम्हारे प्रश्न है, ठीक है जल्दी से जल्दी पूछो। माता पिता क्या, मेरा समझ में नहीं आया, माता पिता एक कहावत है ना, दुष्ट लोग का संग में जो रहता है उनको भी दुष्ट बोला जाता है, शराबियों का संग में रहते तुम शराब मत पियो, लोग बोलेंगे तुम पी रहे हो, समझ रहे हो ना, झगड़ा वो लगेंगे तुम बीच में आ जाएंगे, क्यों संग में हो, जहां शराब दुकान है उधर तुम खड़ा होकर अगर बुक डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं लोग बोलेंगे ये शराबी है, ये संग का दोष है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, संबित भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरे कृष्णा।